मूवी की स्टार्टिंग में हम एक नदी को देखते हैं जिसमें कि दो जन बाप बेटे होते हैं जो कि मछली पकड़ रहे होते हैं। इस लड़के का नाम सुसांग होता है जो कि बहुत डरा हुआ होता है क्योंकि उसके अंकल ने बताया था कि नदी में एक राक्षस है जो कि सभी लोगों को मारकर उनका सर खा जाता है। और यह बात वो अपने पिता से कहता है जिसपे उसके पिता कहते हैं कि तुम उसकी बातों पर ध्यान मत दो और मेरी मदद करो। फिर वो उसकी मदद करने लगता है। फिर उसके पिता नदी में डुबकी लगा देते हैं। उन्हें लगता है कि उनके कांटे में कुछ मछली फंसी हुई है। इसी बीच सुसांग को पानी में कुछ दिखता है। वह जोर जोर से अपने डैड को आवाज देने लगता है। फिर उसके पिता ऊपर आते हैं। वह देखते हैं कि उनका कांटा एक झाड़ में फंसा हुआ था। फिर वो दोनों नाव पर से देखते हैं कि पानी में कुछ है जिसपे उसके पिता अपने वेपन लेते हैं। तभी पानी में कुछ उनकी तरफ तेजी से बढ़ने लगता है और उनके चारों तरफ घूमने लगता है जिससे कि दोनों डरने लगते हैं। फिर वह चीज उनकी नाव पर नीचे से अटैक करता है जिससे कि उसके पिता नदी में गिर जाते हैं। फिर वह चीज उनके पीछे पड़ जाता है। वह जल्दी से अपनी नाव पर चढ़ जाते हैं। फिर वह चीज उन पर दोबारा हमला करता है। इस बार दोनों नदी में गिर जाते हैं। वह चीज उनके पीछे लग जाता है जिससे वह किसी तरह सुशांत को नाव पर बैठा देते हैं लेकिन वह चीज उनको पानी में खींच लेता है। कुछ समय बाद पानी में खून दिखने लगता है और उसके डैड की बॉडी भी पानी में तैरने लगती है। फिर वह चीज सुशांत के पास आने लगता है। इसके बाद सुशांत की नींद खुल जाती है। वह ऐसा सपना देख रहा होता है लेकिन इस हादसे को बीते हुए आज 10 साल हो गए थे। यहीं पर सुशांत का एक दोस्त होता है जो कि मेंटली रूप से ठीक नहीं होता है। उसका नाम सादोंग होता है जिस पर वो कहता है कि तुमने फिर पानी के बंदर का सपना देखा जिस पर वो हाँ कहता है। इसके बाद हम सुशांत के गाँव को देखते हैं जो कि बहुत ही खुशहाल लग रहा था। यहीं पर एक मीट बेचने वाला होता है जिसका नाम मोहिदाऊ होता है। यहाँ पर उसकी एक बेटी होती है जिसका नाम पांडन होता है। इससे सुशांत का चक्कर चल रहा होता है। यहाँ पर सुशांत पांडन से मिलने के लिए आता है। साथ ही उसे एक गिफ्ट लाया होता है जिसे देखकर पांडन बहुत ही खुश होती है लेकिन वो उसे लेने से मना कर देती है। यहीं पर पांडन के पिता मोहिदाऊ आ जाते हैं जो कि सुशांत को पांडन से दूर रहने के लिए कहते हैं। इसके बाद सुशांत वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सुशांत यहीं पर एक औरत से बात कर रहा होता है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और जोर जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि कुछ तो बुरा हुआ है, नदी में लाश मिली है। ये सभी गांव वाले नदी की तरफ जाते हैं और उन्हें वहाँ पर एक लाश मिलती है जिसका सर नहीं होता है। ये सब देखकर वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी होता है जिसका नाम अंकल थ्री होता है और वो कहता है कि वो वापस आ गया है। जिस पर सभी पूछते हैं कौन वापस आ गया है जिस पर वो कहता है कि दादाजी का भूत वापस आ गया है। जिस पर गाँव का मुखिया कहता है कि हमें क्या करना चाहिए। इस पर अंकल थ्री कहते हैं कि हमें उनके लिए किसी की बलि देनी होगी। इसके बाद मोहिदाऊ यहाँ आकर कहता है कि कोई बलि नहीं चढ़ेगी और कहता है कि ये वही बूढ़ा आदमी है जिसने आज से 10 साल पहले कहा था कि बलि देनी होगी। इसके बाद क्या हुआ, फिर भी लोग मरते रहे। इसके बाद वो सभी को बलि देने से मना करता है। इधर सुशांग वहाँ से जाने लगता है तो उसे रास्ते में पांडन का भाई लुसांग मिलता है जो कि खेल रहा होता है और उसे सुशांग घर जाने के लिए कहता है और कहता है यहाँ पर खतरा है। फिर सुशांग वहाँ से चला जाता है। इसके बाद लुसांग देखता है कि उसके सामने का बत्तख गायब हो गया है। इधर सुशांग पांडन के पास आता है और कहता है कि गांव में खतरा है, तुम नदी की तरफ मत जाना, वहाँ पर बहुत ही ज्यादा खतरा है, और साथ ही उसे वहाँ से भागने के लिए कहता है। तभी वहाँ पर पांडन के पिता आ जाते हैं जिसे देखकर सुशांग छिप जाता है और वह आकर पांडन से लुसांग के बारे में पूछते हैं जिस पर पांडन कहते हैं वो कहीं खेल रहा होगा। इधर हम लुसांग को देखते हैं जो कि उसके सामने एक बत्तख को कोई पानी में खींच लेता है। फिर वो पानी में चेक करने के लिए जाता है जहाँ पर उसे वाटर मंकी की पूछ उसके हाथ में दिखती है और लुसांग को वह छिप कर देख रहा होता है। इसके बाद अंधेरा हो जाता है और सभी गाँव के लोग लुसांग को ढूंढ रहे होते हैं। तभी यहाँ पर सादोंग पानी में देख रहा होता है। वहाँ पर लुसांग भी आकर देखता है कि लुसांग पानी में मरा पड़ा है। फिर मोहिदाऊ वहाँ पर आते हैं और लुसांग को देखकर रोने लगते हैं। इधर पांडन बेहोश हो जाती है। यहीं पर अंकल थ्री कहते हैं कि दादाजी का पानी का भूत वापस आ गया है। अगले दिन नदी किनारे सभी लोग उसकी पूजा कर रहे होते हैं जहाँ पर वो सभी लोग पानी के बंदर के लिए बलि देने वाले होते हैं। यहीं पर कहीं दूर सुशांग और उसका दोस्त बैठा होता है जिन्हें इन सब से कोई मतलब नहीं होता है। तभी वहाँ पर मोहिदाऊ आता है और उस मूर्ति को लात मार कर नीचे गिरा देता है। यहीं पर अंकल थ्री कहते हैं कि दादाजी का भूत शांत हो जाओ और ये अंकल अभी अंधविश्वास में जी रहा होता है। यहीं पर वो कहते हैं कि उसे खींच कर नीचे उतारो। यहाँ पर सभी मिलकर उसको पकड़ लेते हैं और उसे वहाँ से हटा देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि अगले दिन मोहिदाऊ नदी में बम फोड़ रहा होता है और वो पानी के बंदर को बुलाता है। इसके बाद सभी लोग वहाँ पर पहुँचते हैं और सभी उसे बुलाते हैं लेकिन वो नहीं मानता है, जिस पर सभी लोग मिलकर उसे एक जगह पे बांध देते हैं। इसके बाद पांडन उनके लिए खाना लाती है और यहीं पर सुशांग भी आता है और उन्हें कुछ पीने के लिए लाया होता है। फिर सुशांग वहाँ से चला जाता है। सुशांग अपने घर आता है जहाँ पर वो अपने पास्ट को याद करने लगता है, जहाँ पर वो अपने पिता को देखता है। यहीं पर उसे मोहिदाऊ की कुछ बातें याद आने लगती है जिस पर मोहिदाऊ कहते हैं कि भूल गए तुम्हारे पिता की मृत्यु कैसे हुई थी नामर्द कहीं के। इधर वाटर मंकी मोहिदाऊ के पास आ जाता है और उसके नाम से पुकारने लगता है जिस पर वो कहते हैं कौन है। फिर वो ऊपर से आकर उनके मार देता है और उनका सर खा जाता है। अगले दिन पांडन वहाँ पर आती है जहाँ पर वो देखती है कि वो मर चुके हैं। इधर अंकल थ्री कहते हैं कि भविष्य में दादाजी के भूत का क्रोध और भी बढ़ेगा
और मुखिया से कहता है कि हमें देरी नहीं करनी चाहिए और वो सभी बलि के लिए पांडन को चुनते हैं। तभी वहाँ पर सुशांत सभी को मना करने लगता है कि पांडन बलि नहीं चढ़ेगी और सभी पर भड़कने लगता है। तभी पांडन वहाँ पर आती है और कहती है मैं बलि के लिए तैयार हूँ। तभी सुशांत कहता है कि ये सभी पागल हैं, तुम फिजूल की बातें मत करो। इस पर पांडन कहती है कि मैं देखना चाहती हूँ उस पानी के बंदर की वो क्या चीज है। इस पर अंकल श्री कहते हैं देख लिया तुम सबने, पांडन खुद से बलि देने के लिए तैयार है। यहीं पर सुशांत मुखिया से कहता है कि पानी का बंदर न तो देवता है और न ही भूत है, वह एक आदमखोर राक्षस है। यहीं पर सब में बहस हो जाती है और यहाँ पर सभी लोग सुशांत को पकड़ कर ले जाते हैं। यह देखकर पांडन को बहुत ही बुरा लगता है। फिर उसी रात सुशांत पांडन के पास आता है और कहता है कि चलो यहाँ से भाग चलते हैं, जहाँ पर हमें कोई नहीं ढूंढ पाएगा, पानी का बंदर भी नहीं। इस पर पांडन उसे मना करती है और कहती है कि मैं उस बंदर से बदला लूंगी। इसके बाद सुशांत उसे यहाँ से जबरदस्ती ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन पांडन उसे यहाँ से जाने के लिए कहती है और कहती है भूल जाओ मुझे। इसके बाद सुशांत अपने घर आता है और यहाँ पर वह बीती बातों को याद करने लगता है और रातों रात अपना वेपन तैयार करता है, साथ ही फाइटिंग स्किल भी सीखता है। वह यहाँ पर उस वाटर मंकी से लड़ने का फैसला करता है। इसके लिए वो अपने चचेरे भाई के पास जाता है, यहाँ पर उसे सब कुछ बताता है। तभी चचेरा भाई अपने साथी को बुलाता है और कहता है कि सभी लोग आ जाओ, काम है। अगले दिन गांव वाले पांडन को अच्छी तरह से सजा कर उसे नदी में अकेला छोड़ देते हैं। यहाँ पर पांडन बहुत ही सुंदर लग रही होती है। पांडन के हाथ में एक वेपन होता है जिससे कि वह उस बंदर से बदला लेगी। तभी वहाँ पर सुशांत अपने साथी को लेकर आ जाता है और यहाँ पर सभी गाँव वालों को अंधविश्वास से बाहर निकालने की कोशिश करने लगता है और कहता है कि ये कोई भगवान या भूत नहीं है बल्कि एक आदमखोर राक्षस है, हम कब तक इसके डर से सभी की बलि देते रहेंगे। और कहता है कि मैं भी तुम्हारे जैसा ही था, बिल्कुल डरपोक, लेकिन मैं अपने प्यार को बचाने के लिए उससे लड़ूंगा। इसके बाद कुछ लोग सुशांत के साथ आने का फैसला करते हैं। यह देखकर पांडन बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद सभी यहाँ पर पानी में कुछ मीट के टुकड़े डालते हैं और इंतजार करने लगते हैं। बहुत देर के बाद वहाँ एक चैन में हलचल होती है और सभी लोग उस चैन को खींचने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर बंदर चलाक होता है, उनके हाथ में नहीं आता है। फिर वहाँ पर एक लड़का पानी में चेक करने के लिए जाता है, तभी उसे नीचे कोई खींचने लगता है जिस पर सभी परेशान हो जाते हैं, लेकिन वह मजाक कर रहा होता है। लेकिन फिर उसे कोई नीचे पानी में खींच लेता है और उसकी मुंडी काट कर फेंक देता है, जिस पर सभी लोग डर जाते हैं। फिर वह बंदर उनकी तरफ आने लगता है और वह एक लड़के को लेकर पानी में चला जाता है, जिस पर सुशांत अपने वेपन से अटैक करता है, लेकिन वह इससे बच जाता है। फिर वह उस लड़के को वहीं पर मार देता है। इसके बाद सुशांत अटैक करता है लेकिन वह फिर भी बच जाता है। फिर वह वाटर मंकी उनके बोट के ऊपर आ गया था और पांडन पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन सुशांत पांडन को यहाँ बचा लेता है। इसके बाद वह वाटर मंकी सबके सामने होता है। यहाँ पर हम उस वाटर मंकी को अच्छी तरह से देख पाते हैं। इसके बाद सभी लोग एक साथ अपने अपने वेपन से अटैक करते हैं, लेकिन वो वाटर मंकी बहुत ही स्मार्ट होता है और चालाकी से बच जाता है। फिर यहाँ पर वाटर मंकी सभी को जख्मी कर देता है, वो सभी पर भारी पड़ रहा होता है। फिर वाटर मंकी एक बार फिर पांडन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन फिर से सुशांत उसे बचा लेता है। फिर उस पर अपने वेपन से अटैक करता है, लेकिन वो बच जाता है। यहीं पर सादांग उसे पकड़ लेता है, जिस पर सुशांत उसे एक जोरदार लात मारता है जिससे कि वो दूसरी जगह चला जाता है। इसके बाद सुशांत उसे हिट करता है और सभी लोग उसके ऊपर जाल फेंककर पकड़ लेते हैं, लेकिन यहाँ पर वाटर मंकी किसी तरह वहाँ से भाग जाता है और उनके हाथ में नहीं आता है। इसी रात को वहाँ पर एक लड़का होता है जो काफी ज्यादा डर गया होता है और यहाँ से जाने का फैसला करता है, लेकिन सुशांत उसे रोकता है और कहता है कि वानी का बंदर एक बार में ही सभी को पहचान लेता है और वो पकड़ लेता है। लेकिन वो लड़का इसकी बात नहीं मानता है और अकेले ही वहाँ से चला जाता है। फिर वो आगे बढ़ता है जहाँ पर उसे वाटर मंकी घेर लेता है और लड़का उसे अपनी जान की भीख मांगता है, लेकिन वो उसे वहीं पर मार देता है। इसके बाद वो वाटर मंकी घर में आकर किसी पर हमला करता है, लेकिन वो एक पुतला होता है जिस पर उसे बहुत ही गुस्सा आता है। सभी मिलकर यहाँ पर उसके लिए एक ट्रैप बिछाए होते हैं और उस कमरे के सभी खिड़की दरवाजे बंद कर देते हैं और उस पर अलग अलग तरीके से वार करने लगते हैं, लेकिन वाटर मंकी उनके हर वार से बच जाता है। यहाँ पर एक लड़के को पकड़ लेता है और उसे उठाकर फेंक देता है। यहाँ पर सभी उस पर तीर से वार करते हैं, लेकिन वाटर मंकी बहुत स्मार्ट होता है और इनके हर वार से बच जाता है। यहाँ पर सादांग ऊपर से उस पर हमला करता है, लेकिन वाटर मंकी उसे ही नीचे खींच लेता है और छत तोड़कर ऊपर चला जाता है, जहाँ पर उसके ऊपर सभी एक बॉक्स को गिराते हैं, लेकिन वाटर मंकी भी ताकतवर होता है, वह संभाल लेता है। फिर यहाँ पर सुशांत उस पर तीर से लगातार वार करता है और वो वाटर मंकी बचते हुए उसी की तरफ आगे बढ़ने लगता है। वो जैसे ही सुशांत के पास पहुँचता है वो उनके बिछाए हुए जाल में फंस जाता है। इसके बाद उसे वह लोग गाँव के वालों के सामने ले जाते हैं, जिससे वह लोग उसे एक पिंजरे में कैद किए होते हैं और सभी लोग कहते हैं कि यही दस्ती जानवर राक्षस है जो सभी को खाता है, और सभी सुशांत को अपना हीरो मानने लगते हैं, जिस पर सुशांत सभी का धन्यवाद करता है और सभी लोग उसे यहीं पर जलाने को कहते हैं। तभी वहाँ पर अंकल थ्री आते हैं, वो अब भी अंधविश्वास में जी रहा होता है।
होता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दादाजी की भूत को पकड़ने की, तुम सब के सब मारे जाओगे। तो वहाँ पर एक लड़का कहता है कि क्या तुमने पी रखी है, दिखता नहीं है तुम्हें एक आदमखोर राक्षस है। तभी अंकल थ्री कहते हैं कि मैं भी देखता हूँ तुम लोग इसे कैसे मारोगे, अगर मारना ये तो मुझे भी जला डालो। और इनमें काफी बहस होने लगती है। फिर अंकल थ्री उस पिजड़े के बाद बैठ जाता है और गाँव का मुखिया कहता है कि तुम सब जाके जश्न मनाओ, इसका क्या करना है हम सुबह बात करेंगे। फिर सभी गाँव वाले जश्न मनाने लगते हैं और सभी भरपूर नशा कर लेते हैं। इधर सुशांग और पांडन एक साथ होते हैं। यहाँ पर सुशांग पांडन से कहता है कि अब से मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, जिस पर पांडन भी खुश होती है और वो भी साथ रहने के लिए तैयार हो जाती है। इधर दो मजनू होते हैं जो कि पांडन और सुशांग को एक साथ देखकर उनका दिल टूट जाता है और वो दोनों दुखी हो जाते हैं। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि अंकल थ्री पिंजरे के पास हो गया है और यहाँ पर साधारण आकर उस पानी के बंदर को चिढ़ाता है। इसके बाद वो सुशांग की तरफ जाने लगता है, जहाँ पर सुशांग पांडन से कहता है कि साधारण भी हमारे साथ ही रहेगा, वो भी हमारे फैमिली का एक हिस्सा है। जिस पर पांडन कहती है ठीक है वो भी हमारे साथ ही रहेगा, और साधारण ये सब सुन रहा होता है और वो बहुत ही खुश हो जाता है। इधर अंकल थ्री की नींद खुलती है तो वो देखता है कि वो पानी का बंदर पिंजरे में नहीं होता है और उसके सामने बाहर होता है, जिसे देखकर वो कांपने लगता है। वो यहाँ पर एक बार भी नहीं कहता कि दादाजी के भूत शांत हो जाओ, बल्कि उसे देखकर उसका हाथ पैर कांपने लग जाता है। यहीं पर वो बंदर उसे दो हिस्सों में काट देता है। फिर वो गांव में जाकर सभी लोग को खाने लगता है। फिर वहाँ पर साधारण आ जाता है और कहता है कि मैं तुमसे नहीं डरता हूँ, और उसे लड़ने लगता है। जिस पर वो मंकी उसके पेट में अपना हाथ घुसा देता है, जिससे कि वो वहीं पर मर जाता है। अगली सुबह गांव में मातम फैला होता है, यहाँ पर हर तरफ लाशें फैली हुई होती है। तभी वहाँ पर सुशांग आता है, वो सभी को देखकर बहुत ही दुखी होता है। तभी गांव का मुखिया कहता है कि हमारी कायरता की वजह से सभी मारे गए हैं और यह जानवर सभी को एक एक करके मार डालेगा, और हम अपनी जान की भीख मांगते रहेंगे और उसके लिए बलि चढ़ाते रहेंगे, बस अब बहुत हुआ, आगे से ऐसा नहीं होगा, और सभी मिलकर हम उसका मुकाबला करें, हम कब तक ऐसे ही जीते रहेंगे। इसके बाद सुशांग अपना हेयर कट बदलता है और अपने वेपन को लेकर निकलता है। इसके साथ ही उसका साथ दे रहे होते हैं, इस बार गांव वाले भी उसका साथ दे रहे होते हैं। फिर वह सभी लोग आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर सुशांग नाव बनाकर अकेले ही आगे बढ़ता है। फिर वह नदी के अंदर जाता है, जहाँ पर वो वाटर मंकी को ढूंढने लगता है। फिर वह वाटर मंकी उसके सामने आता है और सुशांग उसे लड़ने लगता है। फिर वो वाटर मंकी उसे ऊपर फेंक देता है और वो अपनी नाव पर चला जाता है। फिर सभी लोग सुशांग को अपनी तरफ तेजी से खींचने लगते हैं और वो वाटर मंकी भी उनकी तरफ तेजी से बढ़ने लगता है। इसके बाद वाटर मंकी उनके बोट के ऊपर आ जाता है, जिस पर वो सभी लोग अटैक करते हैं, लेकिन वाटर मंकी खुद को इनके वार से बचा लेता है। फिर सभी को वो मारने लगता है। इसके बाद सुशांग भी अटैक करता है, जिस पर वाटर मंकी उसे उठाकर फेंक देता है और उस पर भारी पड़ने लगता है। इसके बाद पांडन और एक लड़का उस मंकी को पकड़ लेते हैं, जिस पर सुशांग उसे मारकर थोड़ा घायल कर देता है, लेकिन वाटर मंकी भी पांडन और उस लड़के को फेंक देता है और सुशांग को एक जोरदार लात मारता है, जिससे सुशांग कहीं दूर जाकर गिरता है और सुशांग बुरी तरह से घायल हो जाता है। फिर पांडन उसे देखकर दुखी हो जाती है। फिर वाटर मंकी इन पे हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, जिस पर सुशांग उस पर एक तीर मारता है, जिससे कि वाटर मंकी घायल होकर नीचे गिर जाता है। यहीं पर दो लड़के उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन वाटर मंकी उन्हें बुरी तरह से मारकर घायल कर देता है और वो दोनों जख्मी हो जाते हैं। इसके बाद पांडन उसको मारने की कोशिश करती है, लेकिन वाटर मंकी पांडन को भी दूर फेंक देता है। फिर वो सुशांग के चचेरे भाई को भी बुरी तरह से घायल कर देता है। इधर सुशांग सब कुछ देख रहा होता है और जख्मी होने की वजह से वो कुछ नहीं कर पाता है। फिर वाटर मंकी पांडन को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन सुशांग किसी तरह उसे रोक लेता है और यहाँ पर सुशांग उसे दो तीर लेकर उस पर वार करने लगता है और उसकी आंखें भी फोड़ देता है, जिसकी वजह से वाटर मंकी अंधा हो जाता है और उसे बहुत दर्द होने लगता है। तभी सुशांग वाटर मंकी को लेकर नदी में गिर जाता है, जिसे देखकर पांडन बहुत ही परेशान हो जाती है। कुछ देर बाद सुशांग उसकी मुंडी लेकर ऊपर आता है, यहाँ पर सुशांग उस वाटर मंकी को मार देता है। इसके बाद सभी गाँव वाले नदी के किनारे आते हैं, यहाँ पर सुशांग को उसके मरे हुए दोस्त भी दिख रहे होते हैं, यहाँ पर उसे अपने पिता भी दिखाई दे रहे होते हैं। और इसके बाद सुशांग बहुत ही इमोशनल हो जाता है और यह मूवी इसी के साथ खत्म हो जाती है।